की अंगूठी पहन के घूम रहे हैं, इसको जेब में रखी है और अपने उन्होंने लेके हमसे कागज में रख के हमारी जेब में रख दी। बोले आप जेब में। आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। यहां शनिवार को दिन दहाड़े अधिवक्ता को लूट लिया गया। बताया गया है कि लुटेरों ने पुलिस बनकर इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने वकील साहब को मास्क लगाने के नाम पर रोका और लूट की बात कहकर अंगूठी जेब में रखने को कहा। आइए बात करते हैं पीड़ित अधिवक्ता से। ब्यूरो रिपोर्ट एटा। आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। रविंद्र शाह एडवोकेट। अरविंद जी, आपके साथ क्या घटना हुई है? हम अभी थोड़ी देर पहले जो है सब्जी लेके और सामान लेके घर लौट रहे थे। बजरंग होटल के सामने जीटी रोड पे जो है पुलिस वाले बन के उन्होंने कहा कि आप जो है हेलमेट नहीं लगाए हैं और मास्क नहीं लगाए हैं, रोकिए आप, हम रोक रहे हैं आपको, रुके नहीं आप। तो रोके, फिर बोले कि हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, पीछे पुलिस की गाड़ी भी थी एक, तो हमने समझा शायद पुलिस के ही लोग होंगे। बोले कि कल लूट हुई थी और पुलिस के उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है सोने की अंगूठी पहन के घूम रहे हैं, इसको जेब में रखिए और अपने उन्होंने लेके हमसे कागज में रख के हमारी जेब में रख दी। बोले आप जेब में रख लीजिए। कितनी अंगूठी थी? दो अंगूठी थी। उसके बाद क्या हुआ फिर? और उसके बाद घर आके हमने देखा तो पुड़िया में जो है चार छोटी छोटी पत्थर की गिट्टियाँ निकली हैं। आपसे अंगूठी लेकर उन्होंने हाथ में ले ली थी? अपने हाथ में ले ली और कागज में बोले कि ये अंदर कागज में रख लीजिए आप। लगभग कितने रुपए की थी आपकी अंगूठी? कम से कम बैठेगी 50,000 से कम की चोरी होगी। अच्छा, दूसरी कोई घटना और भी किसी व्यक्ति के साथ हुई? एक व्यक्ति और आ रहा था, उसको रोका, बोले कि जो है आप बताइए, आप ये सोने के चेन पहने कर रहे थे, उससे पूछ, तो उसने कहा हाँ ये है, बोले जेब में रखो, उसकी भी चेन ले ली और वो पुड़िया बना के उसे भी दे दी। क्या उस व्यक्ति को पता है वो कहाँ के रहने वाले थे? अब ये हमें कुछ पता नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो जयनगर एटा में।